दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि भीगी मूंगफली खाने के क्या क्या फायदे हैं। वैसे भीगी मूंगफली में जो पोषक तत्व होते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल बादाम के जितने ही इसमें पोषक तत्व होते हैं। बादाम कई बार बहुत महंगा होता है, हम लोग नहीं ला पाते हैं। मूंगफली बहुत ही सस्ती होती है, हम सब इसे बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे कैल्शियम की कमी हो दोस्तों, मूंगफली का सेवन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। चाहे खून की कमी हो, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, खून की कमी को दूर करती है। 10 से 12 मूंगफली के दाने हमें ज़रूर खाना चाहिए। मूंगफली जो होती है दोस्तों, ये हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करती है। जो लोग एनीमिक है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है दोस्तों, उनके लिए भी भीगी मूंगफली बहुत फ़ायदेमंद है। आप सूखी भी खा सकते हैं, आप इसे भूनकर खा सकते हैं, आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में या दूध में भिगाकर भी खा सकते हैं। दो तरीके बता रही हूँ आपको अलग अलग ये खाने के दोस्तों। कुछ मूंगफली को आप पानी में भिगा लें, रात भर भिगे रहने दें, सुबह उठकर पानी में भीगी मूंगफली को चबा चबा कर आप खा लें, ऊपर से हल्का गुनगुना दूध पी लें। इतना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है, हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से हमें राहत दिलाती है। आप दूध में भी भिगा सकते हैं, पानी में भी भिगा सकते हैं, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे। बादाम से भी ज़्यादा फायदेमंद है भीगी हुई मूंगफली का सेवन करना। इसमें आयरन होता है, जिंक होता है, विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है। विटामिन डी और कैल्शियम हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। इसके साथ ही साथ मूंगफली जो होती है, जब हम इसे पानी में भिगाते हैं तो इसके पोषक तत्वों की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उसे। और बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए, विटामिन ई होता है इसमें, इसलिए आप भीगी मूंगफली का सेवन जरूर करें। और ये देखें, इस तरह से भीगी मूंगफली होती है और दूध में भी भिगा सकते हैं, और सुबह तक ये बहुत अच्छी फूल जाती है। इसमें विटामिन B6 होता है, और यदि आप लंबे समय तक निरोगी रहना चाहते हैं तो डेली लाल छिलके वाली मूंगफली 10 से 12 जरूर खाएं दोस्तों। आपके हड्डियों में जो तकलीफ होती ना, बिल्कुल दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मूंगफली खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और जब हमारा हाजमा अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है दोस्तों, तो हमारी पेट से जुड़ी कई बीमारियां दूर होती हैं। चाहे कब्ज़ की बात करें दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की बात करें, या फिर एसिडिटी की बात करें, गैस एसिडिटी से राहत मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो मूंगफली जो होती है, इसे अगर आप डेली खाते हैं एक मुट्ठी 8 से 10 दाने, तो इससे आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी। आपके स्किन में जो निखार आएगा ना दोस्तों, वो देखते ही बनेगा। चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, आपके बालों का झड़ना बंद होगा। मूंगफली, जिसे हम लोग पीनट कहते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 होने के कारण ये हमारे स्किन में ग्लो देता है। आप चाहें तो मूंगफली को पीस कर फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा मुल्तानी मिट्टी मिला लें, पिसा हुआ इसका पाउडर मिला लें, आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आएगा। मूंगफली जो होती है दोस्तों, एनीमिया को दूर करती है, एंटी एजिंग तत्व होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, हड्डियों की समस्या को दूर करती है। भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन ए होता है, और इसे खाने से हम लंबे समय तक जमा दिखते हैं। सर से लेकर पैर तक सभी समस्याएँ इसे खाने से जड़ से खत्म होती है। मूंगफली खाने के बाद आप चाहें तो 1 गिलास दूध जरूर पिएं। आपको अलग से कैल्शियम के दवाई, कैल्शियम के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसके अलावा आप मूंगफली को तलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मूंगफली को मैंने तल लिया है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, वे तली हुई मूंगफली को ना खाएं, बाकी लोग खा सकते हैं। बच्चों को भी आप एक मुट्ठी ज़रूर दें दोस्तों, बच्चों की हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप थोड़ा सा उसे नमकीन चटपटा बना कर देंगे ना, तो शायद बच्चे इसे बहुत शौक़ से खा लेंगे। और ये मूंगफली तो आप ला कर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। बस इससे ज़्यादा दाने आपको नहीं देना है, तो थोड़ा सा फ्राई कर लें अच्छी, और थोड़ा जब ये फ्राई हो जाए, कुरकुरी हो जाए, क्रिस्पी, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा मसाले डाल लें। आप चाहें तो ऊपर से मैगी मसाला डाल दें, आप जीरा मसाला पाउडर आता है, चाट मसाला पाउडर आता है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा नमकीन बना सकते हैं, ताकि बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाएं। अंडे और नॉनवेज से भी ज़्यादा ताकतवर है दोस्तों मूंगफली। इतने सारे इसके फायदे हैं, सेहत का खजाना है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं, या जिन्हें दूध सूट नहीं करता है दोस्तों, वे लोग कुछ दाने मूंगफली के ज़रूर खाएं। पीनट जो होती है, ये पोषक तत्वों का भंडार, इसमें जिंक होता है, कैल्शियम, विटामिन B6, विटामिन ई होने के कारण ये हमारी त्वचा में चमक लाती है।
तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है ताकि बच्चे भी इसे चाव से खा सकें। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सेहत का खजाना है मूंगफली। तो जो पोषक तत्व बादाम में होते हैं वैसे ही पोषक तत्व मूंगफली के इन दानों में होता है। आप भिगा कर खा सकते हैं, आप फ्राई करके खा सकते हैं, आप इसकी चक्की बना के खा सकते हैं, जो बर्फ़ी बनती है मूंगफली की, जो तरीका आपको अच्छा लगे। वज़न कम करना है तो शक्कर वाला ना खाएं ज़्यादा, और ऊपर से आप दूध पी लें। आप करके देखें, 10 दिन में ही आपको हड्डियों के दर्द, जोड़ों की सूजन से आपको आराम मिलेगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। तो शायद भीगी मूंगफली के इतने फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये ना सोचें कि जैसे कहते ना मूंगफली टाइम पास है, बिल्कुल नहीं, इसे तो बादाम की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सस्ती भी आती है, हम लोग इसे आसानी से ले सकते हैं, तो ज़रूर खाएं आप लोग। कई तरीके हैं, आप लोग चटनी बनाते हैं ना, चटनी में 10-15 मूंगफली के दाने ज़रूर डालें। चटनी का स्वाद भी चेंज होगा, स्वाद भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ हम सब के शरीर में, परिवार के सभी सदस्यों के शरीर में ये पौष्टिक दाने भी जाएंगे। तो फली में मतलब इस चटनी के जार में मैंने सब डाल दिया है, जीरा, काला नमक और धनिया, मिर्ची, थोड़े से फली के दाने, तो इस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें पीनट को दोस्तों, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लंबे समय तक हम निरोगी सेहतमंद रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।